नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़ और आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो भूटान के बारे में हमारे किसान भाइयों के सामने जो अफवाह फैलाई गई हैं उसकी पूरी सच्चाई क्या है। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा भूटान के बारे में भी। और देखिए, आज हम इस वीडियो में बाराबंकी के बारे में भी बात करेंगे। 2600 रुपये वाला मार्केट अचानक 2100 रुपये कैसे आ गया, मतलब 500 रुपये क्विंटल तक की गिरावट बाराबंकी में कैसे देखने को मिली। सबसे ज़्यादा गिरावट वाला जो जिला है वो इस समय बाराबंकी है, आप ये मान सकते हो। और आज इस वीडियो में थोड़ा हसन के बारे में बात करेंगे, अगर हसन का आलू जब भी आएगा उससे हमें कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, अभी जो मार्केट में आप लोगों को जो भी चीज़ देखने को मिल रही है इसमें क्या है, कुछ जगह मंडियों में थोड़ा माहौल बढ़िया बना हुआ है, कुछ जगह मंडियों का माहौल बिल्कुल इस समय डाउन हो गया है। और यहाँ पर एक नई बात आ रही है सामने, मैं कल भी काफ़ी कोल्डों में घूम के आया हूँ, लगभग 14-15 कोल्ड थे, उनमें घूम के आए हैं, जानकारी ली है। तो भाई, हर कोल्ड के ज़्यादातर व्यापारी थोड़ा इस समय परेशान हैं, क्योंकि व्यापारियों के लिए जैसे मंडी का रेट मान के चलो, मुंबई क्या हुआ था बीच में, 31 रुपये किलो तक हो गई थी, व्यापारियों ने आलू उसी हिसाब से खरीद लिया। अब जैसे ही 2 दिन बीते मुंबई मंडी डाउन हो गई, अब उनकी चिंता बढ़ गई। तो ये सब काम जो हो रहा है ये व्यापारियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्केट में अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पहले जो एक गाड़ी पूरी बिक रही थी, आज उसमें से बैलेंस बचना ही बचना है, चाहे 20 पैकेट बच जाए चाहे 30 पैकेट बच जाए, ये सब प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। तो इन प्रॉब्लम से आपको आगे चल के बहुत अच्छी राहत भी मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक जानकारी इस वीडियो में जो बताऊंगा उसको पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं भूटान के बारे में, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चैनल पर मिल जाएगी, हर न्यूज़ चैनल पर भी मिल रही है, और मतलब वैसे हर ग्रुपों में भी मिल रही है। तो इसकी सच्चाई क्या है, देखिए, सबसे पहली बात, जो भूटान का आलू है वो ज़्यादातर लाल आलू होता है, तो जिन लोगों के यहाँ पर सफ़ेद आलू बिकता है वो टेंशन ना लें, पहली बात। अगर फिर भी अगर यहाँ पर सरकार इसके लिए काम करती है या मंगाने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में आलू वास्तव में बहुत कम है। अगर हमारे हिंदुस्तान में आलू वास्तव में बहुत कम है तो हमें और ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हमारे हिंदुस्तान में अगर बहुत कम है तो फिर आलू का रेट कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो कम कर दे, चाहे कहीं से भी आलू मंगा दो, कोई खपत को पूरा नहीं कर सकता है, ये सभी बात समझ लीजिए। अगर हमारे देश में आलू ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है, और फिर भी सरकार आलू मंगाती है, तो सरकार 1012 से के जो अभी रेट चल रहा है इसको डाउन करने के लिए नहीं मंगाएगी। सरकार आलू 2000 रुपये या 2500 रुपये पैकेट ना बिक जाए उसे रोकने के लिए मंगा सकती है, केवल ये चीज़ हो सकता है। अच्छा, एक और नई बात है, भूटान से खबर ये मिल रही है कि 30 से 35 रुपये किलो खुद उनके वहाँ पर हालत ख़राब है, खुद वहाँ पर आलू बिक रहा है, और ज़्यादातर लाल आलू वैसे भी होता है। तो भैया, सीधी सी बात है, हर जगह आलू में आसपास के जो हमारा भारत है इसके आसपास के जितने भी देश हैं हर किसी को आलू चाहिए, और हर जगह यहाँ पे हालत ख़राब है आलू के बारे में। ये तो एक हवा को रोकने के लिए, जो आलू में हवा बन रही थी उसे रोकने के लिए बातें की गई हैं, नहीं तो ये हवा किसी पर रुकने वाली नहीं थी, बस इतना है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक नई बात है, हमारे देश में एक काम बढ़िया हो रहा है, हमारा कोई भी पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा पाकिस्तान से, और भैया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है आलू की इस समय। अगर हाँ पाकिस्तान से कुछ लेना देना होता तो कुछ भी हो सकता था, उसके बारे में पता नहीं क्या होता, लेकिन हाँ इतना है पाकिस्तान से हमारा ट्रेड बंद है, पाकिस्तान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर आलू कितना भी सस्ता हो जाए महंगा हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी बात करूँगा मैं बाराबंकी के बारे में। देखिए, बाराबंकी की जो स्थिति अभी एकदम डाउन हुई है इसके बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहली बात, बाराबंकी के आलू की जो डिमांड ज़्यादातर है वो आपका बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, अब इस जगह की मार्केट में एकदम आलू में गिरावट देखने को मिली है, प्रॉब्लम देखने को मिली है, बिक्री एकदम स्लो देखने को मिली है। अब इसी वजह से आपके बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में जो आपका बैगन, लौकी, तोरई जो आपका 30, 32, 35 रुपए किलो बिक रहे थे वो अचानक 10, 12, 13, 14 रुपए किलो पे ही आके टिक गए, आधे से भी कम रेट हो गया आप ये मान लीजिए। और वहाँ पे बिहार का खुद कोल्डों से आलू भी अब निकलने लग गया है और एकदम बिक्री शुरू हो गई है उस साइड में, अब वहाँ से बिल्कुल भी मांग नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यापारी सीधी सी बात है रेट को डाउन करते ही जा रहे हैं कि आलू आपको इतना देना तो दे दो, इतना देना तो दे दो, बस ये बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ टाइम बाद अगर बारिश होएगी, डिमांड खुलेगी, तो ऑटोमेटिकली वही रेट फिर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस समय बिहार में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, इस साल कुछ नहीं है ये मान लीजिए, परेशान है वो लोग, उमस भरी गर्मी पड़ रही है बिहार में,
और आपके लिए मैं बता दूं, जितने बार बाराबंकी के लोग हैं अगर परेशान हैं कि हमारा आलू 1100 रुपये पैकेट हो गया, हम 2100 रुपये में 2200 रुपये में आलू कैसे बेचें, ये क्या हो रहा है। देखिए आपके आलू में हमें तो उम्मीद लग रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद है आगे भी, चाहे उसमें 100 रुपये की तेज़ी आए चाहे उसमें 150 रुपये की तेज़ी आए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम मार्केट जो अभी डाउन है, इस परेशानी को कुछ टाइम के लिए आपको झेलना पड़ेगा, इसके लिए कुछ अभी उपाय नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए। लेकिन आगे चल के आपके लिए थोड़ा अच्छे ही संकेत हैं, चाहे आपकी 500 रुपये की तेज़ी कभी भी आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात और भी बता दूँ मैं। देखिए अब कुछ कोल्डों की मैं बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करने वाला हूँ, बहुत कोल्डों की मैं जानकारी आप लोगों के सामने साझा करूँगा, बहुत कोल्ड वालों की मैं रिपोर्टिंग भी ले रहा हूँ निकासी की, और ज़बरदस्त निकासी की रिपोर्ट आ रही है, और इस वीडियो के बाद मैं तुरंत आपके लिए और भी वीडियो बनाने जाऊँगा जो आपके लिए जल्दी मिल जाएगी। अच्छा एक नई बात करते हैं यहाँ पर बंगाल के बारे में, फिर मैं बात बताऊँगा आपको हसन के बारे में। देखिए बंगाल में जो भी अभी कुछ हो रहा है उसको लेकर व्यापारी और किसान दोनों ही परेशान हैं। अच्छा किसान क्यों परेशान है और व्यापारी क्यों परेशान है, इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए वहाँ पर जो किसान परेशान है वो इसलिए परेशान है कि व्यापारी उनका बॉन्ड नहीं ले रहे, मतलब उनका आलू नहीं खरीद रहे, क्योंकि व्यापारियों के पास जो आलू है वो खुद परेशान है, ठीक है। अब किसानों का आलू व्यापारी नहीं खरीद रहे, खरीद रहे तो सस्ता खरीद रहे हैं, तो इस वजह से किसान की वहाँ हालत ख़राब है, किसान परेशान है बंगाल में। दूसरी बात, अब व्यापारी को परेशान है, व्यापारी इसलिए परेशान है कि आलू हम पे है और आलू हम और भी खरीद लेंगे लेकिन जाएगा कहाँ, लौट फिर के यहीं घुमाना पड़ेगा, इस वजह से उनकी भी हालत ख़राब है। और वैसे भी बंगाल में शांति बनी हुई है भाई, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि गौड़ साहब बंगाल की खबर नहीं दे रहे हो, भाई बंगाल खुद शांत है, उसमें कुछ धमाका या कुछ ऐसी चीज़ हो ही नहीं रही है, बिल्कुल शांत पड़ा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है ना कुछ, कोई भी आदमी ये मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा बंगाल में, तो इस वजह से वहाँ के लोगों की जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की जानकारी दें फिर उनको परेशान करें। तो जो जानकारी मेरे पास है वो मैंने आपको दे दी है, सरकार से वहाँ के किसान और व्यापारी दोनों ही नाराज़ हैं, लेकिन सरकार बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर के लिए कुछ ना कुछ चर्चा कर रही है कि चलो यहाँ पर यहाँ के लिए थोड़ा थोड़ा आलू भेजा जाए। अच्छा एक और बात है, असम के अभी बॉर्डर की बात सरकार नहीं कर रही है, जबकि असम से क्या क्या होने वाला मैं आपको बता दूँ, अगर असम का बॉर्डर खुलेगा तो आपका बहुत स्टेटों में आलू जाएगा, त्रिपुरा मेघालय नागालैंड वगैरह पता नहीं कौन कौन से स्टेट हैं इधर, ये सभी नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों में जाएगा अगर असम का बॉर्डर खुलता है तो, क्योंकि वहीं होके आलू जाता है। तो असम का बॉर्डर खुलने से बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट पड़ेगा, अगर उड़ीसा और आपका बिहार है इससे इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर की डिमांड बहुत ज़्यादा है बंगाली लोगों के पास। अच्छा एक नई बात बता दूँ, यहाँ पे आने वाले टाइम में दूसरे देशों से भी हमारे भारत के लिए डिमांड आ रही है कि आलू भेजिए, लेकिन इसकी अभी जानकारी 100% नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी ज़रूर बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ आलू के भाव के बारे में, फिर थोड़ा हसन के बारे में जो सटीक जानकारी मिली है उस वो भी बता दूँ। इस समय जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 45-50 गाड़ी के आसपास बताई गई है, कल तो बहुत गाड़ी पहुँच गई थी, 70-75 गाड़ी तक आराम से हो गई थी, फिर भी आलू का रेट 25-26 रुपये किलो तक था, लेकिन आज गाड़ी कम पहुंची है, आज का आलू का रेट है वहाँ पे 23 से लेके 24-25 रुपये किलो, और VIP क्वालिटी है तो वहाँ पे 26-26 रुपये किलो तक बिका है, कुछ लोग 27 भी बता रहे हैं, लेकिन 26-26 रुपये किलो तक तो आराम से रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे रेट में ज़्यादातर आलू बिके हैं आज गाड़ी कम होने की वजह से, लो क्वालिटी का आलू वही बिक रहा है 22 से 23-24 रुपये किलो तक, VIP क्वालिटी 24 से ऊपर ही बिक रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पुणे मंडी की, पुणे मंडी में भी देखो अच्छा आलू का भाव है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा गिरावटी मानेंगे, पुणे मंडी में 28-29 रुपये किलो तक VIP क्वालिटी के आलू के रेट हैं, और अगर एक दो लॉट 30 बिक जाता है उसकी नहीं है, लेकिन 28-29 रुपये किलो धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, और लो क्वालिटी के रेट 26 से लेकर 27 रुपये किलो तक बिक रहे हैं पुणे मंडी में। अच्छा मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी से बहुत बड़ा इफेक्ट सासनी के कोल्डों पर मिल रहा है, शुगर फ्री आलू में जो आलू एकदम 1300-1350 पहुंच गया था सासनी में, वो तुरंत 1250 पे आ गया, क्यों, क्योंकि मुंबई मंडी जो एकदम 30-31 रुपये किलो हो गई थी वो अचानक अब क्या बिक रही है मैं आपको बता दूँ। मुंबई मंडी में आज लगभग गाड़ी तो खैर कम है, ज़्यादा नहीं है, 15-16 हज़ार पैकेट आज हैं आज के, और कल बहुत गाड़ी थी, तो 15-16 हज़ार पैकेट में आज के बाद मार्केट थोड़ा सुधरना शुरू होगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह साफ़ हो जाएंगी। तो मुंबई मंडी में 27 से लेकर 28 रुपये किलो तक आलू बिक रहा है, अगर एक दो लॉट 29 बिक रहा होगा वो एक बात अलग है, लेकिन 27-28 रुपये किलो तक आलू बिक रहा है, जबकि ये दो दिन पहले 29-30 रुपये किलो तक आलू बिक रहा था, 1 रुपये की गिरावट आप मान लीजिए, और 25 से लेकर 26 रुपये किलो तक लो क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं। बिहार की बात करें 2450 रुपये क्विंटल तक आलू बिक रहा है, VIP क्वालिटी तो 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए, इसी वजह से तो आपके बाराबंकी में 2100-2200 रुपये क्विंटल ले रहे हैं ये लोग, बिहार में ही आलू का भाव डाउन है बहुत। बाराबंकी की बात करें 2100 से लेकर 2200-2250 रुपये क्विंटल, ज़्यादातर 2200 ही है, 2250 भी नहीं है।
अलवर की बात करें, अलवर में आज 8 गाड़ी हैं और वहाँ पे 8 गाड़ी में से भी 2-4 गाड़ी बैलेंस रहने की खबर आ रही है क्योंकि बिक्री स्लो है वहाँ पे भी। तो 24 से लेके 25 रुपए किलो लो क्वालिटी के आलू, 22 से लेके 23 रुपए किलो। अब अलवर मंडी में बता रहे थे आढ़तियों से मेरी बात हुई है कि भाई साहब हम तो जैसे 8 गाड़ी हैं, 8 गाड़ी पूरी साफ़ कर देते थे लेकिन अब साफ़ नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम आ रही है। बेंगलोर की बात करें, यहाँ पे 29 से लेके 31 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के बिक रहे हैं और VIP क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं यहाँ 33-34 रुपए किलो तक, यानी 32 से लेके 34 रुपए किलो तक। चेन्नई मंडी में भी यही भाव है, 30 से लेके 32 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के आलू हैं और VIP क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं 33 से लेके 34-35 रुपए किलो तक। लखनऊ की बात करें, 22 से लेके 24 रुपए किलो तक चिप्सोना के लो क्वालिटी के बिक रहे हैं, मतलब मीडियम के, और अच्छी क्वालिटी के बिक रहे हैं 25 से 26-27 रुपए किलो तक चिप्सोना, बढ़िया VIP क्वालिटी का बिक रहा है लखनऊ में। प्रयागराज की बात करें, 27 से लेके 28.5 रुपए किलो तक आराम से आलू बिक रहा है और एक दो लॉट 29 रुपए किलो तक बिक रहे हों G4 आलू के, पता नहीं है भाई इतना बिक रहा होगा आराम से, लेकिन 28 रुपए किलो तक की, 28.5 रुपए किलो तक की पक्की खबर है G4 आलू की। नासिक की बात करें, नासिक में लगभग 28 से लेके 30 रुपए किलो तक लोग बता रहे हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि 29 रुपए किलो तक के ज़्यादातर सौदे हुए हैं और लो क्वालिटी का भाई 26 से 27। अलीगढ़ मंडी की बात करें, यहाँ पे अलीगढ़ देखो, अलीगढ़ की और मैं सभी की जगह के बारे में बात कर लेता हूँ। दिल्ली मंडी में आज 99 गाड़ी है, कल की 30 गाड़ी बैलेंस है, रेट वही है सेम, कोई बदलाव नहीं है। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में 1100 से लेकर 1150 रुपये कोल्ड में 3700 बिक रहा है, एक दो लॉट हो बढ़िया तो वो 1200 बिक रहा है। सासनी की बात करें, 1100 से लेकर 1250 बिक रहा है, अच्छा 1200 के सौदे आपके एक ग्लास में जरूर हो रहे हैं शुगर फ्री में। और जगह अलीगढ़ की जो है वहाँ पे आपका 1150 तक के सौदे हो रहे हैं 3700 के, और चिप्सन वही बिक रहा है अलीगढ़ में 1250 रुपये तक, सूर्या वही बिक रहा है 1300-1350 तक, और एक ग्लास के कोल्डों में कुछ कोल्डों में 1400-1500 तक भी बिक गया भाई। आगरा की बात करें, आगरा में 3700 VIP क्वालिटी 1300 से लेकर 1450 रुपये तक बिक रहा है, 1400 रुपये तक आराम से आप मान सकते हो। शमशाबाद की बात करें, 25 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो तक आलू बिक रहा है, यानी 15 रुपये कट्टे ML कुशवा कोल्ड में भी बिक गया है, कल परसों की बात है। और सादाबाद की बात करें, 1200 से लेकर 1350 रुपये, सादाबाद में अभी 1400 नहीं है, 1200-1300 और एक दो लोट 1350 या 1350 तक मान सकते हो। और बस ज़्यादातर यही भाव है, खंदौली में वही 1400-1450 तक के सौदे हो गए। अब बात करते हैं हसन की। देखो इस समय हसन के बारे में काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं कि हसन में ये होगा, हसन में वो होगा। देखिए पहली बात, अगर हसन का आलू आएगा तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन एक और नई बात बहुत अच्छी है हसन के लिए, अगर हसन का नया आलू आता है तो इससे मार्केट में फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, अगर हसन का आलू आ जाता तब मैं बता रहा हूँ, पहला कारण फसल आगे पीछे लगी हुई है तो आलू धीरे धीरे आएगा हसन का, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत एक साथ फसल नहीं है ना, एक साथ आएगा ना एक साथ ख़त्म होगा, चलता रहेगा हसन का, ठीक है। दूसरी बात, हसन के आलू के लिए एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो भी आलू आएगा वो रेट ही उसका इतना हाई होगा, मतलब आप मान लीजिए 34-35 रुपए किलो हसन का आलू बिकेगा, और आज भी आपका आलू क्या बिक रहा है 34-35 रुपए किलो तक, और हसन का भी वही बिकेगा, मतलब अच्छे आलू आने पे बता रहा हूँ, हसन का आलू 30 रुपए किलो से ऊपर ही बिकेगा, नीचे नहीं बिकेगा, 32 हो जाए, 33 हो जाए, 35 हो जाए, और लगभग अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि 40 रुपए किलो तक बिक सकता है, 35 से 40 रुपए किलो तक हसन का आलू शुरुआत में। अब मुझे एक बार बताइए, हमारे मार्केट में फ़र्क कब पड़ता है, फ़र्क जब पड़ता है जब कोई कहीं से भी कच्चा आलू आके और सस्ता हो जाए। अगर कच्चा आलू महंगा ही बिकेगा तो हम पे कोई फ़र्क नहीं है, सस्ता बिकेगा तब जाके वो हमारे मार्केट को प्रभावित करेगा। तो हसन का आलू आएगा तो ये सस्ता नहीं बिकेगा, इस वजह से हमारे मार्केट को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, और आगे चल के आपके लिए नई जानकारी और मैं लाता रहूँगा, और जल्द ही आपको एक शाम को कोल्ड की रिपोर्टिंग की वीडियो भी आने वाली है। और एक किसान भाई वैसे भी कह रहे हैं कि केलांचल कोल्ड की भाई साहब वीडियो बनाइए, विजिट कर रही है, तो चलिए आपके लिए आज केलांचल कोल्ड की ही वीडियो शाम को मिल जाएगी। तो वीडियो देखने धन्यवाद, मैं विकास गौड़, नमस्कार।